हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है व्हाट आर द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रेगुलेशंस की बात करना इसमें बहुत ही लाजमी सी है ना। तो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशंस मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके जरिए एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन किया जाता है या फिर उसके एक तरीके से उसको चलाया जाता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट करके इन सारे वीडियोज को, चाहे वो MCO 5 हो, MCO 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप सारे के सारे वीडियोज को यू नो वन बाई वन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। ये हमारा चैनल है कॉमर्स पाठशाला, आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है। टाइप करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको देखो यहाँ पे MCO 3, MCO 4, MCO 5, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जा रही है। फिलहाल कम वीडियोस हैं, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा जिनको देखने के बाद आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ बीकॉम के स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बीकॉम के जो नए कोर्सेज जो लॉन्च किए गए थे, बीकॉम में जो बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है, ये देखो यहाँ पे, ये सारी इन सबको भी मैं अरेंज करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो सारी चीजें भी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बीकॉम के बच्चे चाहे वो नए हो या पुराने हो, सबके लिए वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप आइए, इन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ और बात करेंगे, ठीक है। फिर चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द इंडिया आर फॉर्मुलेटेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ACAI। ACAI का एक बोर्ड है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यही जो है हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी को लेकर के, चाहे डिप्रिशिएशन हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कैपिटल रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है ना उस चीज के ऊपर कि वो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा अकाउंटिंग में। ये सारी की सारी चीजें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो कि एक तरीके से बनाया गया है, उसके द्वारा उसका जो है यू नो कार्यान्वयन होता है, आई मीन उसका इस्तेमाल होता है। दो, इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हैज रिवाइज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 IAS 7 इन 1992 एंड स्विच्ड ओवर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। 1992 में जो है IAS 7 जो हमारा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको रिवाइज किया गया। देखो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की जा रही है 7 की, जिसको रिवाइज करने के बाद हमारे इंडिया में कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे AS 3 कहा जाता है, उसको लॉन्च किया इंडिया में, विच इज इक्विवेलेंट टू द अर्लियर IAS 7 was not revised till 1997, है ना, जो कि इक्विवेलेंट था IAS 7 का। पहले IAS 7 इंडिया फॉलो करती थी, बाद में 1992 में इसको चेंज करके, बदलाव करके, स्विच करके कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका नाम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS 3, जो कि ASB ने किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने किया, जो कि ICAI की एक बॉडी है, और जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से रिवाइज्ड चीज थी, जो कि इक्विवेलेंट थी IAS 7 के, जो कि 1997 तक चलता रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3 जो था वो 1997 तक चलता रहा। इन 1997 ASB ऑफ ICAI रिवाइज्ड AS 3 इन लाइन विद रिवाइज्ड IAS 7 एंड इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिपोर्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट As AS3 full text given। आप इस वाले वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वो बात बोली जा रही है कि 1997 तक AS3 चल रहा था, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे थे, जो कि इक्विवेलेंट था IAS 7 के, बट बाद में IAS 7 में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन बोर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि ICAI की बॉडी है, उसने भी इस चीज में बदलाव करके AS 3 को जो है फाइनली यू नो लॉन्च करा, है ना। तो जैसे जैसे IAS 7 में बदलाव हो रहे हैं, वैसे वैसे AS 3 में भी बदलाव हो रहे हैं। However, this standard was not been made mandatory immediately 1997 में इस चीज को एक तरीके से immediately इसको नहीं बोला गया कि आपको ये करना ही होगा, है ना। However, AS 3 was made mandatory for the accounting period starting from 1st April 2001 for the following enterprises। लेकिन अब देखो शुरू से मैं अगर आपको छोटा सा करके बताऊं तो सबसे पहले पूरी दुनिया में IAS 7 चल रहा था 1992। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि ICAI की बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि 1992 तक तो हम लोगों ने IAS चलाया, लेकिन 1992 के बाद हम इसको रिवाइज करके हमारा जो स्टैंडर्ड होगा उसका नाम रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसको हम 1997 तक चलाएंगे। उन्होंने इसको 1997 तक चलाया, जो कि बिल्कुल ही रेप्लिका था IAS 7 का। बाद में जाकर के AS जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है,
जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट का है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं जिसको लेकर के फिर एएसबी फिर से AS3 में थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ साथ उसको वापस से रिलॉन्च करती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलती है कि 1997 में वो मैंडेटरीली उसको इफेक्टिव नहीं किया गया है ना। लेकिन 2001 के बाद, 1 अप्रैल 2001 के बाद, जो नीचे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, फॉलोइंग इंटरप्राइजेस या फिर बिजनेसेस जिनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वो AS3 को अच्छे तरीके से फॉलो करें ताकि जो उनका बिजनेस ठीक तरीके से चल पाए और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिल पाए। तो सबसे पहला कौन सा है भाई, एंटरप्राइजेस हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, है ना। ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसी कंपनीज जिसका इक्विटी, जिसका शेयर जो है किसी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज इन इंडिया में आपका लिस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे अगर आपका स्टॉक लिस्टेड है तो आपको AS3 जो है फॉलो करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। एंड एंटरप्राइजेस दैट आर इन प्रोसेस ऑफ इशूइंग इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज दैट विल बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक इन इंडिया एज एविडेंस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड। वही बात बोली गई कि ऐसी कोई कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है, अब लिस्ट होने के लिए उनको पब्लिक इशू करना पड़ेगा, है ना, डेट इशू करना पड़ेगा, इक्विटी इशू करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है या फिर इन फ्यूचर में जाकर के प्लानिंग कर रही है कि उनको जो है इशू करना है अपने शेयर्स को, तो उनको जो है AS3 को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ये बात बोली गई। दूसरा, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द अदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स ₹50 करोड़, तो ऐसा कोई भी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइजेस जिसकी सालाना टर्नओवर, जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। आई होप कि हिस्ट्री भी समझ में आ गई और प्रेजेंट सिनेरियो भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में या थोड़ा सा और इसके रूल्स के बारे में। सिंस एएसबी ऑफ एएसए इज आईसीएआई टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, द सेबी हैड फॉर्मड अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी, द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईसीएआई फ्रेम द नॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। अब देखो, आईसीएआई जो है उसका जो बोर्ड बॉडी है एएसबी, उसने बहुत टाइम लगाया इसको लॉन्च करने में। आपको पता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत पहले से काम कर रही है और इसने लॉन्च करते करते 2001 लगा दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को प्रॉपरली लॉन्च करने में, है ना। तो जब तक ये लॉन्च नहीं हो रहा था तब तक सेबी ने क्या किया कि सेबी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नजर रखने के लिए जिनको इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है। आई मीन 50 करोड़ जैसे उनका जिनका इनकम ज्यादा है, पहले कुछ और गाइडलाइंस भी होती थी, अभी के टाइम पे और भी कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। एक सर्टन क्राइटेरिया था जिसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज में क्राइटेरिया में पड़ती थी उसको एक तरीके से नजर बनाए रखने के लिए सेबी ने लोगों को अपॉइंट करा, है ना। और आईसीआई ने जो है नॉर्म्स फाइनलाइज किए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उनको इस तरीके से तैयार करके दिखाना होगा अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगी, मतलब जो भी लिस्टेड कंपनीज होगी स्टॉक मार्केट में, है ना, कोई भी नहीं। ओके, द ग्रुप हैज रिकमेंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी सप्लाइड बाय द लिस्टेड कंपनीज, है ना। तो जो ग्रुप था जिसको एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बोला जा रहा है, उन्होंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो भाई आपको बनाना होगा, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको भी बनाना होगा ताकि पता चले कि उनका पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां को रहा है। सेबी फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप हैज इंस्ट्रक्टेड द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस टू अमेंड द क्लॉज 32 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट एज फॉलोज। तो जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है क्लॉज 32 का, उसको ध्यान में रखते हुए या फिर उसमें एक तरीके का बदलाव किया सेबी ने, जो कि रिकमेंडेशन उनको उस ग्रुप के द्वारा दिया गया था। अब वो बदलाव क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। द कंपनी विल सप्लाई अ कॉपी ऑफ कंप्लीट एंड फुल बैलेंस शीट, जो भी कंपनी लिस्टेड है, है ना, वो अपने अपना कंप्लीट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू ईच शेयर होल्डर एंड अपॉन एप्लीकेशन टू एनी मेंबर ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। जो बैलेंस शीट होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, डायरेक्टर का जो रिपोर्ट होगा, वो हर एक शेयर होल्डर को भेजा जाएगा। अभी भी मेरे पास आता है जब मैं किसी कंपनी में पैसे लगाता हूँ, आई मीन शेयर के माध्यम से, तो उसका रिपोर्ट अभी भी मेरे पास आता है। पैसे लगाने से याद आया, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एंजल ब्रोकिंग एक अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। हमारा उनके साथ टाई अप भी है, अगर आप खोलना चाहो अकाउंट तो आप खोल सकते हो और थोड़े थोड़े पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप अपने अकाउंट को फ्री में खोल पाओगे, ₹1 भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा नीचे था, आपको पता है कि 22,847 करोड़ का घोटाला जो है अभी देखा गया है, SBI और भी बहुत सारे बैंकों को मिला करके ये देखा गया कि 22,847 करोड़ का घोटाला जो है किया गया है बाई APG नाम की एक कंपनी थी, APG शिपयार्ड नाम की एक कंपनी थी गुजरात की, जिसने घोटाला किया है। तो उसके कारण से मार्केट जो है काफी नीचे था आज,
और लोगों ने जमके खरीदारी भी करी है, मैंने भी खरीदा है। कई लोग खरीदने में डर भी रहे थे, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, बट हाँ नीचे था, है ना। तो ये जो होती है, ये सारी रिपोर्ट जो है भेजी जाती है। द कंपनी विल ऑल्सो गिव अ कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी जो साथ ही साथ जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करेगी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। मैंने जो ऊपर में बताया प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसके अलावा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करेगी। द कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एनेक्सर अटैच हियर टू। जो भी एनेक्सर अटैच किया गया है, मुझे तो उसके बारे में डिटेल में आइडिया नहीं है कि कौन सा एनेक्सर अटैच किया गया था और क्या क्या डिटेल्स उसमें डालनी है, बट जो भी वहां पे रूल्स के अकॉर्डिंग है, आपको उसमें सारी की सारी चीजें फिलअप करके जो है एनेक्सर के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका डालना होगा। ओके, नाउ लास्ट ये जो है पैराग्राफ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ रिक्वायरमेंट इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट हैज बीन मेड इफेक्टिव फॉर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज एंड लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1994-95, है ना। तो 1994-95 के बाद से हर एक कंपनी जो कि लिस्टिंग है या फिर लिस्टेड होने वाली है, उन सब के लिए ये सारे रूल्स जो है मैंडेटरी कर दिए गए, जब तक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लॉन्च नहीं किया। आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च हो गया था, लेकिन 1997 तक वो चला नहीं। तो उस बीच सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में इस तरीके से काम को करने की कोशिश की। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड इन द लिस्टेड कंपनी लिस्टेड एग्रीमेंट हैज बीन मेड इफेक्टिव फॉर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1994-1995। लग रहा है जैसे एक ही चीज को उन लोगों ने दो दो बार लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, एक ही चीज को उन लोगों ने दो दो बार लिख दिया, बस डिफरेंट तरीके से लिखा है। खैर, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जो रेगुलेशंस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के, वो क्या है, क्यों जरूरी है रेगुलेशंस का होना, ये भी आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया भाई, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए और वो भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले पाए। फिलहाल मैं यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बाद में और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी, आप हमारे प्लेलिस्ट को देखते रहना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।